अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अपने मोबाइल के डाटा को यूएसबी में बड़ी आसानी के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप अपने यूएसबी को ओटीजी केबल के साथ कनेक्ट करें और फिर इस ओटीजी को आप मोबाइल में जहां हम चार्जर लगाते हैं उस जगह पर लगा दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं ही आपके लिए बहुत से टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए आप वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद आप फाइल मैनेजर को ओपन कीजिए। हर मोबाइल में फाइल्स या फाइल्स मैनेजर के नाम से फोल्डर होता है, आप उसको ओपन करें। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फाइल मैनेजर ओपन है, लेकिन यहाँ इंटरनल स्टोरेज शो कर रहा है, कोई यूएसबी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी यूएसबी इसके साथ कनेक्ट नहीं की है। तो अब मैं यूएसबी के साथ कनेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि इंटरनल स्टोरेज के साथ ही एक यूएसबी की स्टोरेज भी आपको नज़र आएगी। तो अब मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने जैसे ही कनेक्ट किया तो यहाँ पर एक किंगस्टन यूएसबी, जो कि यूएसबी का नाम है, यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब आप डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनल स्टोरेज को ओपन कीजिए और जिस वीडियो फाइल फोल्डर या जिस चीज़ को भी आप कॉपी करना चाह रहे हैं या मूव करना चाह रहे हैं, उस फाइल को लॉन्ग प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलें मैं एक फ़ाइल को सेलेक्ट करता हूं, तो आप देखेंगे कि नीचे एक कॉपी की ऑप्शन बन गई है। तो मैं इसको कॉपी पे क्लिक करता हूं और बैक बटन दबा के इंटरनल स्टोरेज से किंगस्टन यूएसबी में आ जाता हूँ। और यहाँ पर नीचे एक पेस्ट की ऑप्शन आ रही है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सेकंड के अंदर ही मेरी फ़ाइल इंटरनल स्टोरेज से यूएसबी स्टोरेज में ट्रांसफ़र हो गई है। तो इस तरह आप अपनी तमाम वीडियोस, पिक्चर्स, फाइल्स, मतलब आप अपना तमाम डाटा जो आप वहां से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपना बैकअप बना के रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।